हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना में किस तरह से आवेदन करना है, क्या प्रोसेस होता है आवेदन करने का, और किस तरह से आपको जो है कि बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना का लाभ मिलेगा, कितने पैसे आपको मिलेंगे, पूरी फुल डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जब आप यूट्यूब पर सर्च करते होंगे कि बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो आपके सामने जो है कि 10 से 20 वीडियोस होते होंगे, और वह जो 10 से 20 वीडियो शो हो रही हैं, उसमें आपको बताया जाता होगा कि आप इस वेबसाइट पर जा करके बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या कोई और वेबसाइट बताई जा रही है कि उस वेबसाइट पर आप जा करके बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट बताई जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, वह है आपदा संपूर्ति की। तो फ्रेंड, जब आप आपदा संपूर्ति की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लास्ट में बताया जाता होगा कि इस वेबसाइट का जो लिंक है अभी चालू नहीं किया गया है, तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद जो है कि इस वेबसाइट का लिंक चालू कर दिया जाएगा, तो आप जो है कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यह जो वीडियो बनी है 10 से 20 बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए, यह बिल्कुल फर्जी वीडियो है। इस वीडियो में जो भी वेबसाइट बताई जा रही है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो सब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह जो वीडियो में वेबसाइट बताई गई हैं, इनसे अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए, तब किस वेबसाइट से जो है कि हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़िला या आपका गाँव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है और सरकार द्वारा जो है कि उसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, वह आपके गांव आएंगे और आपके गांव का सर्वे करेंगे, वही पूरा डाटा लिखेंगे कि आपका कितना नुकसान हुआ है, आपका नाम क्या है, आपसे जो है कि आधार कार्ड नंबर मांगेंगे और जो है कि सब कुछ वही पता करेंगे, और उसके बाद वह लिख करके ले जाएंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ नोट करके जो ब्लॉक के कर्मचारी होंगे, वही सर्वे करके ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। जब वह सर्वे करके चले जाएंगे, तो कुछ दिनों के बाद जो है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो बन रही हैं कि इस तरह से आप जो है कि बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, इस तरह से करें, तो वो सब बिल्कुल फर्जी वीडियो है। आप उन सब वीडियो के चक्कर में ना पड़ें। जो मैंने इस वीडियो में बताया, यही सच्चाई है, और इसी तरह से आप जो है कि पैसा पा सकते हैं बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना का। तो फ्रेंड चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना में कितने कितने रुपए आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के तहत जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जितने भी परिवार हैं, उनको जो है कि 6000 रुपये मिलेगा प्रत्येक लोगों को, चाहे उनका कुछ नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, उनको जो है कि 6000 रुपये मिलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको 4 लाख रुपये मिलेंगे, और अगर किसी के कपड़े का नुकसान हो गया है तो उसको 1800 अलग से मिलेंगे, मतलब 6000 पहले मिलेंगे और 1800 और मिलेंगे। और अगर किसी के बर्तन का नुकसान हो गया है तो उसको 2000 रुपए मिलेंगे। अगर किसी की गाय या भैंस मर गई है तो उसको जो है कि 30000 रुपए मिलेंगे प्रति, मतलब एक गाय पर 30000 रुपए आपको मिलेंगे। और अगर किसी की फसल बर्बाद हो गई है तो उसके लिए आपको 6800 रुपए मिलेंगे। और अगर आपके घोड़ा की क्षति हो गई है, मतलब किसी घोड़े की मृत्यु हो गई है, तब आपको जो है कि 25000 रुपए मिलेंगे। अगर आपका पक्का मकान था या कच्चा मकान था तो उसके लिए आपको 95000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपके मकान में थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया आपका मकान, तो उसके लिए आपको 5000 रुपए अलग से मिलेंगे। और जो है कि अगर आपकी झोपड़ी थी, उसका नुकसान हो गया, तो उसके लिए आपको 41000 रुपये मिलेंगे। तो फ्रेंड चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो है कि आपका जो ज़िला है
वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही आपकी जो ग्राम पंचायत है वह भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होना चाहिए, तभी जो है कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जिला या आपका गांव जो है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित है, तो उसके बाद आपके पास जो है कि आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए, और जो है कि आपका नाम लगेगा, पता लगेगा, और आपका एक फ़ोटो लगेगा। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ लगेगा, उसके बाद जो है कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना में आवेदन करते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन होता है। आपके गांव में कर्मचारी आएंगे, आपके गांव का सर्वे करेंगे, और आपके गांव से वही डाटा ले जाएंगे, कितने लोग जो है कि ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितने लोगों का कम नुकसान हुआ है, कितने लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है, सब कुछ वही लिख कर ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। तो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।